इंडिया गठबंधन ने धनबाद में भी दिखाया दमखम। मणिपुर की घटना पर केंद्र को लगाई लताड़। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में इंडिया गठबंधन का विरोध मार्च धनबाद में भी असर रहा है। कांग्रेस, झामुमो, जदयू, राजद, आप समेत कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गठबंधन से जुड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार को खरी कोटी सुनाने वाले झामुमो कांग्रेस के नेताओं से जब झारखंड में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं यहाँ की खराब विधि व्यवस्था पर सवाल किया गया तब वह बगले झांकने लगे। इंडिया पार्टी की ओर से भारत सरकार के जो निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, जन विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, मणिपुर में जो दिन दहाड़े माताओं बहनों के साथ जो हाल हुआ है, नग्न कर रोड पर घुमाया गया है। देश के प्रधानमंत्री को विदेश जाने के लिए समय होता है, लेकिन देश में जो मणिपुर में घटना हुआ उसके बारे में उनको जाने का कोई समय नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कोई टाइम नहीं है। आज इंडिया के कट्टरता पूरे देश में सरकार के खिलाफ रोड पर आंदोलन कर रहा है, और जब तक इस प्रधानमंत्री को हम लोग देश से विदा नहीं कर देंगे तब तक इंडिया पार्टी मजबूती होकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दोस्त तो समझान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा इतिहास जान रहा है। बेईमान पार्टी के विरुद्ध में देश में इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, और इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री जो धोखेबाज, बेईमान, कायर, कमजोर, बुजदिल, सारा टैक्स का पैसा खा गया, सारा बेरोजगार का रोजगार खा गया, रोजगारों का रोजगार खा गया, सारा सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, रेल बेच दिया, ऐसा चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया, ऐसा प्रधानमंत्री को आने वाला 24 में पूरा देश से एक एक व्यक्ति मिलकर उखाड़ कर फेंकेगा। और आप देख लीजिएगा, रिजल्ट इतना शानदार होगा कि फिर बीजेपी एक पार्ट एक सीट लाता था ऐसे ही सीट लाएगा, और इसको कुत्ता के मौत मरना होगा। समरेंद्र कुमार पासवान, जिला उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। इंडिया पार्टी के हमारे धनबाद में जितने भी संगठन के लोग हैं, आज सारे लोग मिल करके जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक पर शांति मार्च निकाले हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी शाह की जी है, इसको कुंभकर्णी नींद से जगाया जाए। 3 मई को जिस प्रकार हमारे देश की बेटियां को, मणिपुर की बेटियां, भारत की बेटियां, और इनको सरेआम नंगा करके घुमाया गया, और ये कहते हैं कि इनके गृह मंत्री मणिपुर में थे, अगर थे तो वो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की, इसके बारे में देश के लोगों को तब पता चला और कार्रवाई तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया में वो वीडियो जारी हुआ है। तब देश की जनता की आँख खुली, और जनता जब इनके विरुद्ध में आवाज़ उठाना शुरू किया तब मोदी सरकार नींद से जागी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी मणिपुर की बेटियाँ हैं उन्होंने अपील दायर की है, सीबीआई से जांच उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उन पर उनको भरोसा नहीं है। असम में जो सरकार आश्वासन कर रही है इस मुकदमे को, वो भी वो नहीं जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और अपील किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इसका जाँच और निष्पक्ष, न कि सीबीआई से। और हम लोग धनबाद से लोग मांग करते हैं,